Yes, who will tell me the statement of Newton's law of gravitation? What is Newton's law of gravitation? देख के नहीं बोलो एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. चलो बैठो. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. So who will tell me the formula? Formula, aap batao. Copy band kar do zara, phir batao. Haan ji, aise nahi pata to why did you raise hand? Copy kya hum test mein pass mein rakhenge ya paper mein? Read out nahi karna hai, main pooch rahi hu, jisko aata hai wo bata. Yes, F is equal to G M1 M2 upon R square. Sit down. What is capital G here? Universal gravitational constant. Why it is called universal constant? Why not only constant? Because its value remains same over the whole universe. Okay, let us now comment upon the value. Let's calculate its unit. Let's define it. ठीक है, value तो नहीं बताई थी मैंने अभी. चलिए, अभी हम सिर्फ formula पे आए थे. So the formula is F G M1 M2 over R square. ठीक है. So this is your Newton's formula. Now G is universal gravitational constant. If you cross multiply, we can write F R square is equal to G M1 M2. Take R square on that side. Is it true? ऐसे लिख सकते हैं. Okay. So अब ये M1 M2 इधर ले जाइए denominator में. F R square over M1 M2 equal to G. We can write like this. यहां कोई प्रॉब्लम? आप इसको इधर लिख सकते हैं. G इज इक्वल टू लेफ्ट राइट पे लिखो, राइट लेफ्ट पे लिखो, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट. सो G यहां से ये आ गया. इफ वी वांट टू गेट द यूनिट ऑफ G, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर यूनिट्स. इनके यूनिट पुट कर देंगे, G का यूनिट आ जाएगा. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा. डिनोमिनेटर में केजी और केजी, दो केजी, दो मास, केजी इंटू केजी. सी, इज दिस स्टेप ओके? इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट, वी जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला पता है, यूनिट पुट करेंगे, यूनिट आ जाएगा. हाँ जी, क्या? हाँ, मल्टीप्लीकेशन. फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, मास का किलोग्राम, इस मास का भी किलोग्राम. ठीक है, तो ये यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो व्हाट्स द यूनिट ऑफ कैपिटल जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. How did we write? We have just taken the help of formula. इनके यूनिट पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली यूनिट आ गया जी का. नाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ जी विद यूनिट. ऑलवेज व्हेन वी राइट द वैल्यू, वी राइट विद यूनिट. सो नोट डाउन द वैल्यू, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. हो जाएगी लर्न वैल्यू ऑफ. ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है, लाइक दिस.
इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। एन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, अलग से, हाँ आप इसका क्वेश्चन लिख लो। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। अब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। सो व्हेन यू विल राइट द वैल्यू, ऑलवेज वी डू दैट विद अ यूनिट, वी राइट विद अ यूनिट। ठीक है, यूनिट के विदाउट किसी वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, जब जी, चलो ये तो थोड़ा अनकॉमन सा नेम है, और कोई नेम, हाँ गौरव है जैसे, है ना। अगर हम कहें कि एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं और हमें गौरव, नाइन्थ सी का गौरव, उसको लोकेट करना है, तो अकेले गौरव से क्लियर नहीं होगा, है ना। हमें उसका अगर सरनेम भी पता चल जाए तो वो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए उसको लोकेट करने। तो इसी तरह से अगर हम लिखें कि 6.67 × 10⁻¹¹, वो तो और भी किसी चीज की वैल्यू हो सकती है। बट इफ वी राइट द यूनिट ऑल्सो, देन इट विल बी कंफर्म्ड ये कैपिटल जी की वैल्यू है, वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द थिंग, ऑलवेज वेन वी राइट सम वैल्यू, यूनिट जरूर लिखना है उसके बाद फिजिक्स में, ठीक है। चलिए लेट अस डिफाइन जी। अब उसके लिए भी ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला। सपोज मासेस आर 1 kg ईच, हमने दोनों मासेस अगर 1 kg के ले लिए और उनमें डिस्टेंस भी 1 meter का ले लिया। अब वैल्यूज पुट करिए, 1 1 1, जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी 1 के इक्वल आएगा। ध्यान से देखो, G will be equal to F. F थोड़ी पुट किया हमने। So if we put M1, M2 and R equal to 1 here, then G will be equal to F. This is how we can define capital G by connecting all these things together. तो आप देख रहे हो कि G किसके इक्वल है, F के इक्वल। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, सुन लो पहले, ये किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। तो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 meter। अगर हमारे पास 2 1 kg मासेस हैं, उनमें 1 meter का डिस्टेंस है, तो द फोर्स विद विच दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विल बी कॉल्ड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इससे क्या पता चलता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ मासेस एंड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तभी हम फोर्स को जी बोलेंगे अगर मास 1 है और रेडियस और डिस्टेंस 1 है। इफ एनी अदर मास इज देयर, एनी अदर डिस्टेंस इज देयर, देन दैट फोर्स विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, इट वॉन्ट बी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स डिपेंड करता है but gravitational constant does not, ठीक है। so we arrive at this conclusion। लिखिए अब definition gravitational constant। gravitational constant, gravitational constant is defined as बिल्कुल ठीक। So gravitational constant is defined as gravitational constant is defined as gravitational force between two objects, defined as gravitational force between two objects of mass 1 kg. Gravitational force between two objects of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter. Separated by a distance of 1 meter.
वन मीटर, डिस्टेंस ऑफ वन मीटर, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कैपिटल जी। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? यू नीड नॉट राइट दीज थिंग्स, ये मैंने समझाने के लिए कहा है, आपको तो डिफाइन करना है ना, तो वो आप अपने रफ कैलकुलेशन में रखिए कि ऐसे ऐसे होता है, दैट्स व्हाट। ओके, सो वी हैव डन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब लिखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यू कैन सिंपली से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये दे दो, उठा के देना नीचे। नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट तो ये है, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स बिकॉज दे आर गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उनको प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ कौन सी है इसमें? दिस वन है ना, ये अर्थ, हाँ ये कौन सा है? ये नेपट्यून का, वैसे ही कलर पूरा नहीं होता, ये भी अर्थ ही लग रही है, सो दिस इज अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम डिस्टेंसेस भी मैम वॉइस नॉट ऑडिबल, मैम वॉइस नहीं आ रही, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Is it is the force that is responsible for revolution of planets around the sun, that is responsible for revolution of planets around the sun। आपको पता है ना कौन सा force चाहिए होता है circular orbit में revolve करने के लिए? Centripetal force। In motion chapter when we were doing uniform circular motion हमने centripetal acceleration define की थी, ठीक है, कल भी मैंने आपको बता दी थी। तो इट इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, उनको जो मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशन से मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट बाइंड्स अस टू द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर, व्हाई यू आर सिटिंग हियर, यू आर बाउंड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ हैड देयर बीन नो ग्रेविटेशनल फोर्स देन व्हाट वुड हैव बीन डन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, all the objects would be flying then, for example like in space or spacecraft, aapne pictures dekhi hongi tv pe ki wo float kar rahe hote hain, wo fly kar rahe hote hain air mein, theek hai, mass to wahi rahega, mass change nahi hota, weight change hota, so we'll be doing that after this, theek hai। so second thing is it binds us to the surface of earth। third thing is it is responsible for revolution of moon around the earth। moon bhi earth ke around isliye revolve kar pata hai kyunki usko gravitational force provides the centripetal force। yes, it is the force responsible for revolution of moon around the earth, revolution of moon around the earth। and next point is it is responsible for tides in the oceans। tides jo oceans mein banti hain wo kyun hoti hain? due to gravitational attraction of moon।
So it is responsible for tides in oceans. It की जगह आप लिख सकते हो gravitational attraction of moon is responsible for tides in oceans. आगे अगली लाइन में लिख दो this is due to gravitational attraction of moon. It is responsible for tides in oceans. This is due to gravitational attraction of moon. Third है it binds us to the surface of earth. हाँ जी अब मून और अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं कॉमन सेंट्रल मास सन के अराउंड अर्थ सन के अराउंड मून अर्थ के अराउंड ठीक है दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं और कौन दे रहा है उनको ये सेंट्रिपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल सेम वे व्हेन इन एन एटम यू नो देयर इज अ पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग तो उसको कौन दे रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positively charged nucleus and negatively charged electrons. ठीक है? Is that okay? Right. Then next thing after this is acceleration due to gravity. क्या symbol है इसका? Small g. Acceleration due to gravity. is denoted by symbol small g. Acceleration due to gravity is denoted by symbol small g. आई अर्थ से रिलेटेड है या प्लैनेट से रिलेटेड हो अब यहाँ पे ग्रेविटी बोल रहे हैं ना तो हम अर्थ की acceleration due to gravity calculate करें ठीक है For example, I have a piece of chalk. ठीक है तो अगर मैं इसको ऐसे फ्रीली गिरा दूं तो ये कितनी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड गिरेगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यस यू नो कि उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट वी विल बी कैलकुलेटिंग आफ्टर दैट यू लर्न अभी नहीं लर्न करनी पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेरीफाई करेंगे फिर इसको लर्न करेंगे तो चौक की बजाय अगर मैं एक स्टोन ले लेती एंड आई ऑल्सो अलाउड दैट स्टोन टू फॉल डाउनवर्ड So with what acceleration it would have fallen down? Again the same. So Earth is attracting all the objects towards the center. We know that. So उसकी वजह से अब ये ऊपर क्यों नहीं गया था? क्योंकि Earth उसको downward direction में pull कर रही है. Earth is pulling it towards its center. अगर surface नहीं होता ना, तो ये chalk Earth के center पे जाके गिरता. Earth का center उसको attract कर रहा है. Yes. फेदर हाँ ये जो देखो गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कॉइन एंड फेदर एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय गैलीलियो गैलीली व्हाट डिड ही डू ही अलाउड अ कॉइन एंड अ फेदर टू फॉल फ्रॉम द सेम लेवल ठीक है टू फॉल फ्रॉम द सेम लेवल व्हाट हैपेंड व्हिच वन कुड हैव रीच अर्लियर कॉइन व्हाई बिकॉज इट इज हैवियर बिकॉज कॉइन क्यों पहले पहुंचेगा बताओ स्टैंड अप नहीं नहीं कॉइन पहले क्यों गिरेगा मास ज्यादा है ना सो इफ आई क्रम्पल अ बॉल अ पीस ऑफ पेपर आई क्रम्पल इट इन टू अ बॉल एंड देन अलाउ इट टू फॉल ऑन द ग्राउंड विच वन विल रीच अर्लियर नहीं कॉइन तो है ही नहीं है एक पेपर है एक क्रम्पल्ड बॉल है पेपर क्रम्पल्ड बॉल विल रीच फर्स्ट रीजन क्या है उसका मास ग्रेटर है ना बट हाँ बट रीजन ये है कि मैंने आपको बोला कि चौक भी उसी एक्सेलरेशन से गिरेगा अगर मैं एक स्टोन गिराऊं वो भी उसी एक्सेलरेशन इसका मतलब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो फिर उसके ऐसे रिजल्ट्स क्यों आ रहे थे हम भी इसका परफॉर्म करेंगे कॉइन विल रीच फर्स्ट एंड फेदर विल रीच द लेक रीच द ग्राउंड लेक तो उसका रीजन ये है कि ये एयर का रेजिस्टेंस उस पर एक्ट कर रहा है द ऑब्जेक्ट दैट इज हैविंग ग्रेटर सरफेस एरिया विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन तो इसलिए वो लेट पहुंचता है अदरवाइज मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं
कॉइन इसलिए पहले नहीं पहुंचता है क्योंकि उसका मास ग्रेटर है, वो इसलिए पहले पहुंचता है बिकॉज इट्स एरिया इज लेस। फैदर इतना सारा एरिया, कॉइन इतना सा है, उस पर कम फ्रिक्शन एक्ट करता है, एयर का रेजिस्टेंस कम एक्ट करता है, इसलिए पहले पहुंचता है। फैदर का एरिया ज्यादा है इसलिए वो लेट पहुंचता है। अब गैलीलियो ने क्या किया, ही अलाउड बोथ द थिंग्स टू फॉल इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट। वैक्यूम क्या होता है, व्हाट इज वैक्यूम? नो एयर। वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती है ना, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इज देयर एनी कवल नोट? तो उसमें क्या हुआ, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहे थे, बोथ वर फॉलिंग एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, showing that, proving that acceleration due to gravity small g does not depend upon mass of falling object. तो ये गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले प्रूव किया था कि g जो है acceleration due to gravity जो है mass of object जो गिर रही है उस पर depend ही नहीं करता, ये उस planet के mass पे depend करता है। अर्थ से गिरेगी तो 9.8 meter per second square, moon से गिरेगी तो 1.63 meter per second square से गिरेगी। So it depends upon mass of that planet and radius of that planet. It does not depend upon mass of the object that is falling. So main chahe yahan se cat ko giraun, dog ko giraun, elephant ko giraun, teenon ke mass different hai. They all will fall down with same g, 9.8 meter per second square. Is that fine? Chaliye. Wo different concept aayega usme. उसमें मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आती है, वो करते हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, वहां पे एंगुलर मतलब रोटेशनल चीज आ जाती है। लिखो डेफिनेशन पहले, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, या इट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विद विच downward acceleration with which an object falls towards, with which an object falls towards the center of earth when falling freely. It is the downward acceleration with which an object falls towards the center of earth when falling freely. Question ye define acceleration due to gravity, to uski definition likh rahe hain. Question I think you are smart enough kya frame kar sakte hai na, side by side do that. Next week you people will bring your copy, now copies will be checked here, not online. theek hai, so definition is clear to you. Like I allowed the chalk to fall freely and it was going towards the center of earth, so the acceleration with which it was falling is called acceleration due to gravity. Okay, fine. Ye notes nahi hai, ye homework hai aapka, ek minute.